नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सावन के व्रत चल रहे हैं और सभी को दिक्कत है कि क्या खाएं, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी नमक नहीं खाना होता। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बढ़िया साबूदाने की खिचड़ी। बहुत ही टेस्टी बनती है और आसानी से बनकर मिनटों में रेडी हो जाती है। गर्मियों में कई बार मन नहीं करता है कुछ बनाने का, तो जब आपका मन ना करे कुछ बनाने का और भूख लगी हो तेज, तो बना लें ये खिचड़ी, बहुत ही जल्दी 2 मिनटों में बनने वाली। तो चलिए शुरू करते बनाना। सबसे पहले हम लेंगे एक मीडियम साइज का छोटा आलू और इसका जो है छिलका निकाल लेंगे। इस तरह से हमने इसका छिलका उतार लेना। छिलका हमने आलू का उतार लिया और आलू को वॉश कर लिया। अब हम इसकी जो है इस तरह से बीच में से कट कर लेंगे, इस तरह से। तो 3 कट हमने डाले, बीच में एक कट और डाल के आलूओं को छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे इस तरह से। बहुत ज़्यादा बड़े जो है हमने आलू नहीं कट करने, इस तरह से छोटे छोटे ही कट करेंगे। पर अगर आपको बड़े पसंद हो तो आप बड़े कर लें, लेकिन इतने ही आलू का साइज़ जो है बिल्कुल बढ़िया सा परफेक्ट रहता है। तो लीजिए, आलू हमने कट कर लिए। आप इसको जो है 3 भाग में भी आलू को काट सकते हैं इस तरह से। तो आलू को हमने एक आलू को मीडियम साइज़ के आलू को लेकर छील कर धोकर हमने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करके रेडी कर। अब हम ले लेंगे कोई भी छोटा प्रेशर कुकर और गैस को कर लेंगे नीचे से ऑन। अब इसके अंदर डाल लेंगे कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हो, वो कुकिंग ऑयल आप इसमें डाल सकते हो। देखिए, हमने 1 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल का डाल लेना है और इसके साथ ही हमने बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ इस तरह से अदरक डाल देना है। 1 इंच का टुकड़ा लें, इस तरह से छोटा छोटा कट कर लें और ये इसमें डाल देंगे। हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 हरी मिर्ची, इसको भी हमने छोटा छोटा काट लिया, इसको भी हमने इस तरह से छोटे कर लेंगे। हरी मिर्ची आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और अगर आप नहीं पसंद करते तो आप वो भी रहने दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये हम व्रत के लिए बना रहे हैं और इसमें हमने नमक नहीं खाना है, तो थोड़ी सी मिर्ची अगर डालेंगे तो हमको ये जो है ज़्यादा टेस्टी लगेगी। इस तरह से इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको हमने हल्का हल्का इसको जो है भून लेना है। लगातार इसको हिलाते रहें ताकि जो है ये जले नहीं। देखते ही देखते आप देखेंगे कि ये भूनने लगा है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपना 1 आलू। इसको हमने धोकर छीलकर और इस तरह से हमने जो है इसको छोटा छोटा कट कर लिया। ये जो हमने कच्चा आलू लेना है, उबला हुआ नहीं लेंगे, इसको इस तरह से इसके साथ ही भूनते रहेंगे अदरक और हरी मिर्ची के साथ। बस ज़्यादा देर तक नहीं, सिर्फ हमने 1 मिनट तक ही इसको हिलाते हुए भून लेना। तो ये भून गया, आप इसमें डालेंगे हम अपने मसाले। मसालों में हम इसमें सबसे पहले डालेंगे सूखा धनिया। सूखा धनिया को हम अच्छे से पीस लेना और ये 1/2 चम्मच जो हम इसमें सूखा धनिया डालेंगे। इसके साथ में हम इसमें डाल देंगे 1/3 स्पून से हल्की सी ज़्यादा और 1/2 चम्मच से थोड़ी कम जो है लाल देगी मिर्च। इसको मिक्स कर लेंगे और इसके साथ में हम इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, यानी कि 1/3 स्पून से भी थोड़ा सा कम, यानी कि 2 चुटकी आमचूर पाउडर। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। इसको अच्छे से हमें इस तरह से भून लेना, बस 1/2 मिनट इस तरह से भून जाए। उसके बाद हम लेंगे साबूदाना और ये साबूदाना इसी तरह से डाल देंगे। साबूदाने को भी अच्छे से हमने मिक्स कर लेना, इस तरह से साबूदाने को अच्छे से मिक्स कर लेना और इसमें अब हम डालेंगे पानी। ये देखिए, पानी जो है हम इसमें 2 कटोरी जो है पानी की डालेंगे। जैसे हमने जिस मेजरमेंट से हमने जो है ये साबूदाना लिया, इसी से हम 2 कटोरी पानी की डाल के और फिर से कुकर को कर देंगे इस तरह से बंद। हम इसमें जो है 2 से 3 विसल जो इसमें आ चुकी हैं, 3 से 4 विसल हम इसमें और आने देंगे। गैस का फ्लेम तेजी रखेंगे। 5 विसल बच चुकी हैं, प्रेशर हमारा इसका कुकर का निकल चुका है। ये देखिए, नेचुरली हमने इसको निकालना है, खोल लेते हैं, हिलाकर देखते हैं। तो बहुत ही बढ़िया हमारी ये खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। आलू भी चेक कर लेंगे इस तरह से। देखिए, आलू भी हमारे गलकर तैयार है बिल्कुल, और खिचड़ी हमारी बहुत ही बढ़िया सी बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से बनती है। इसको अब हम सर्व करेंगे। कोई भी बोल ले लेंगे जिसमें हमने इसको सर्व करना है और इसमें डाल देंगे अपनी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, इसे आप कर्ड के साथ खा सकते हो, बहुत ही बढ़िया लगेगी और बहुत ही ईजी है, आसान। ले लेंगे एक कोई भी इस तरह से पैन और इसमें हमने 2 से 3 चम्मच जो है ऑयल का डाल दिया। इसके अंदर हम डालेंगे मूंगफली, मूंगफली ले लेंगे कच्ची मूंगफली और ये 3 से 4 चम्मच जो है मूंगफली के इसमें डाल लेंगे और बिल्कुल हल्के फ्लेम पे जो है इसको हम लगातार हिलाते हुए हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कर, बिल्कुल हल्के फ्लेम में इसको हमने लगातार हिलाते हुए हल्का हल्का जो है गोल्डन ब्राउन कर लिया है।
प्याज को बंद कर देते हैं और इसको निकाल देते हैं, क्योंकि ये खिचड़ी हमने बनाई है, इस पीस को हमने इस तरह से थोड़ा पतला ही रखना है। इसके अंदर अब हम डालेंगे ये मूंगफली, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया लगती है इसमें मूंगफली। ये इस तरह से फ्राई करके इसमें डालें और जितनी आपने डालनी हो, आपको पसंद हो उस हिसाब से आप डाल सकते हो। तो लीजिए, बहुत ही बढ़िया सा हमारा ये साबूदाने की खिचड़ी बनकर तैयार है। बहुत ही लाइट होती है, बहुत ही हेल्दी भी होती है, आप इसे ज़रूर बनाएं, बहुत ही आसानी से बन जाती है। पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरा चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।